अब तक हमने डिस्कस किया कि व्हाट इज एन इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है, एज पर द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डिस्कस इन दिस चैप्टर. ओके, दूसरी चीज जो कि काफी इंपॉर्टेंट थी जो कि हमने अब तक डिस्कस करी वो की है कि हाउ डज एन इलेक्ट्रिसिटी फ्लो इन द सर्किट, कि इलेक्ट्रिसिटी सर्किट में कैसे फ्लो करती है. अब हम आते हैं द थर्ड एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट व्हाट आर द फैक्टर्स दैट रेगुलेट्स इलेक्ट्रिसिटी इन द सर्किट. वो कौन से कारण हैं जिनकी वजह से हम इलेक्ट्रिसिटी को अपने अकॉर्डिंग रेगुलेट, दैट मींस कंट्रोल कर सकते हैं. इन द बिगनिंग ऑफ दिस चैप्टर मैंने एक बात आप लोगों से डिस्कस की थी कि जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी हमारे हाउस अप्लायंसेस में आती है, चाहे वो फ्रिज हो, रेफ्रिजरेटर हो, सभी अप्लायंसेस की अपनी एक कैपेसिटी होती है प्रॉपर फंक्शन करने के लिए. सो जो कैपेसिटी होती है वो किसकी कैपेसिटी होती है, वो कैपेसिटी होती है वोल्टेज की. लेट सपोज आपने डिवाइसेस पे देखा होगा, फॉर एग्जाम्पल ऑन योर आयरन, ओके, आयरन पे मेंशन रहता है दैट इट विल रिक्वायर 220 वोल्ट, और सभी डिवाइसेस पे मेंशन रहता है वेदर इट्स रिक्वायर्ड 20 वोल्ट और वेदर इट्स रिक्वायर्ड 30 वोल्ट और वेदर इट्स रिक्वायर्ड 40 वोल्ट. उसका मतलब यह होता है कि उस डिवाइस को प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए एटलीस्ट उतनी वोल्टेज चाहिए. अगर आप उससे कम दोगे तो डिवाइस प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा, और अगर उससे ज्यादा भी दे दोगे तो डिवाइस बेसिकली ड्यू टू ओवरलोडिंग खराब हो जाएगा. सो इन दैट केस जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे हाउसहोल्ड में आ रही है वो हमारे लिए यूजफुल नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि वो हमारा पर्पस सॉल्व नहीं कर पा रही है. सो दैट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस थिंग, दैट व्हाई वी हैव टू रेगुलेट और कंट्रोल इलेक्ट्रिसिटी. सो जो इलेक्ट्रिसिटी हम रेगुलेट करते हैं या कंट्रोल करते हैं वो कहां करते हैं, कहां करते हैं? जो भी इलेक्ट्रिसिटी हमारे बेसिकली हाउस होल्ड में आ रही है और डिवाइसेस में जा रही है वो हम रेगुलेट और कंट्रोल कहां करते हैं? बेसिकली हम उसे रेगुलेट और कंट्रोल बेसिकली एक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर करते हैं. अब आप बोलोगे सर जो हमारे हाउस में वॉशिंग मशीन होती है, रेफ्रिजरेटर होता है, ये टेलीविजन होता है, या कोई भी हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक अप्लायंस होता है, उसमें तो कोई सर्किट होता नहीं है, वो तो उसके अंदर तो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स होते हैं. बट द थिंग इज जो भी डिवाइस होता है उसमें एक अटैच कॉर्ड होती है जिसको आप इलेक्ट्रिक स्विच से कनेक्ट करते हैं ताकि वो इलेक्ट्रिसिटी ड्रॉ कर सके और उसके अंदर के जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स हैं वो प्रॉपरली फंक्शन कर पाए. सो जो भी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और बेसिकली वो पावर कॉर्ड है उसके कॉम्बिनेशन को ही हम यहां पे सर्किट कहते हैं. सो अगर मैं आपसे एक लेमेंट टर्म्स में पूछूं कि लेट सपोज आपके पास ये एक ऐसा सर्किट है, सो इस सर्किट को आप कैसे डिफाइन करोगे इन द टर्म्स ऑफ साइंस? दिस इज योर सर्किट, दैट हाउ विल यू गोइंग टू डिफाइन दिस सर्किट इन टर्म्स ऑफ साइंस? सो यू कैन से इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ क्लोज्ड पाथ. कैसा पाथ? एक क्लोज्ड पाथ इन विच ऑल द कंपोनेंट्स All the components like your bulb, your resistors, etc. are connected with each other. With each other via conducting wires between them
हैविंग अ कनेक्शन विद द टर्मिनल विद द टर्मिनल ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी. सो अगर इसको हम समझने की कोशिश करें, इलेक्ट्रिक सर्किट वो क्लोज पाथ है, इट्स इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ क्लोज पाथ इन विच ऑल द कंपोनेंट्स लाइक बल्ब रजिस्टर एसेट्रा, एक ऐसा क्लोज पाथ जिसमें जितने भी कंपोनेंट्स आ रहे हो, वेदर इट्स योर बल्ब योर रजिस्टर योर कंडक्टर योर इंसुलेटर एसेट्रा, जितने भी कंपोनेंट आ रहे हो सभी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो विद अ कंडक्टिंग वायर. दिस इज अ कंडक्टिंग वायर. व्हाई वी कॉल इट इज अ कंडक्टिंग वायर? बिकॉज द चार्ज फ्लो इन दिस हैविंग अ कनेक्शन बिटवीन द टर्मिनल ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी, टर्मिनल विद अ सोर्स ऑफ एनर्जी. लेट सपोज अगर बैटरी ही नहीं होगी तो ये सर्किट इनकम्प्लीट होगा. दिस ऑल द थिंग्स टूगेदर फॉर्म्स एन इलेक्ट्रिक सर्किट. अब आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आपने ये तो बता दिया कि बेसिकली जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे हाउस होल्ड में आती है वो हमको रेगुलेट करनी पड़ती है, बहुत अच्छी बात है. और आपने ये भी बता दिया कि इलेक्ट्रिक सर्किट बेसिकली होता क्या है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है और उस इलेक्ट्रिसिटी को हमें बेसिकली रेगुलेट और कंट्रोल करना है. पर आपने ये तो बताया ही नहीं कि जो रेगुलेट करना है हमें कंट्रोल करना है वो कैसे करना है, या किस वजह से हम उसको रेगुलेट या कंट्रोल कर सकते हैं. चलो फिर बात करते हैं हम यहां पे ओम्स लॉ की. ओम्स लॉ इज वन ऑफ द फेमस लॉ ऑफ फिजिक्स. ओके, कि आप इस लॉ, ये एक ऐसा लॉ है जिसको आप अपनी ग्रेड 10th में भी पढ़ रहे हैं, ग्रेड 11th में भी पढ़ेंगे और ग्रेड 12th में भी पढ़ेंगे, जो भी स्टूडेंट्स साइंस स्ट्रीम ऑप्ट करेंगे 11th 12th में. सो ओम्स लॉ एक ऐसा लॉ है जो कि किसने दिया था, जर्मन फिजिसिस्ट ने, जिनका नेम था जॉर्ज साइमन ओम. क्या नाम था? जॉर्ज साइमन ओम. जॉर्ज साइमन ओम्स ने एक ऐसा लॉ दिया था जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो लेट्स स्टार्ट कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या है. अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ the current flowing in a circuit is directly proportional to the potential difference between its two end at a constant temperature. ये होता है हमारा ओम्स लॉ. So, ये लॉ बेसिकली कहता क्या है, ये लॉ बेसिकली ये कहता है कि हमारा करंट जो कि एक सर्किट में फ्लो कर रहा है वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल. पोटेंशियल व्हाट? पोटेंशियल डिफरेंस. हियर वी हैव अ डिफरेंस ऑल्सो. Is directly proportional to the potential difference between its two end at a constant temperature. ये line बहुत important है. ये क्यों important है मैं आपको अभी बताऊंगा. So अगर हम इस law को, जो कि
हमको दिया साइमन ओम्स ने, इसको अगर सिंप्लीफाई वे में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दिस इज अ साइन फॉर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ओके, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी. आई इज द फिजिकल सिंबल फॉर करंट एंड वी इज द फिजिकल सिंबल फॉर पोटेंशियल डिफरेंस. ओके, सो आई जो होता है करंट हमेशा हमारा पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. अब आपका क्वेश्चन ये आएगा सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से हमारा मीनिंग क्या है. यहां पे ये साइन बेसिकली रिप्रेजेंट करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से यहां पे हमारा ये मीनिंग होता है, लेट सपोज अगर मैं आपसे बोलूं कि दो चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उसका मतलब यह होता है कि लेट सपोज इसी केस की बात करें, अगर I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है, इसका मतलब अगर I बढ़ेगी तो V भी बढ़ेगा. सिमिलरली अगर I कम होगा तो V भी कम होगा. सो अगर मैं सिंपल वे में बोलूं तो आप बोल सकते हो अगर करंट बढ़ेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, अगर करंट कम होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी कम हो जाएगा. सो अब लेट सपोज हमने यहां तो ये तो बता दिया कि आई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी के, पर आज तक आपने कोई ऐसी इक्वेशन देखी है जिसमें ऐसा कोई साइन यूज हो रहा हो? देखी है कोई इक्वेशन जिसमें ऐसा साइन यूज हो रहा हो बिटवीन टू फिजिकल क्वांटिटीज, कुछ भी हो क्वांटिटीज हो, देखा है? नहीं देखा ना. फिजिक्स में क्या होता है, हमारे पास फॉर्मूले होते हैं और फॉर्मूले में हमेशा क्या होता है, इक्वल टू साइन. अब आप बोलोगे सर आपने यहां बताया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इन दोनों के बीच का साइन ऐसे है, तो हम इसको डायरेक्टली ऐसे भी तो लिख सकते हैं, आई इक्वल टू वी लिख तो सकते हैं हम इसको ऐसे, आई इक्वल टू वी एक इक्वेशन फॉर्म करेगा, पर ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ये जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन होता है ये बेसिकली हमसे एक कॉस्ट मांगता है. कॉस्ट कैसी? ये प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आप फिजिक्स में जहां पर भी इस साइन को पढ़ेंगे, तो जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन कहीं से भी हटा के उधर इक्वल टू साइन लगाते हैं तो उसकी जगह पर हम एक कांस्टेंट भी देते हैं एडिशनल इन दैट इक्वेशन. अब आप बोलोगे सर अभी तो आई और वी की बात हो रही थी, अब यहां पे कांस्टेंट क्या आ गया? कांस्टेंट का मतलब है कोई भी एक वैल्यू या कोई भी एक ऐसा क्वांटिटी जो कि इन दोनों को बैलेंस करे और जो कि इस फिजिकल डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को बैलेंस करे. अब एक सर्किट में हमारे पास करंट होता है और पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ये तो अब तक हमारी बात समझ में आई, इतना तो क्लियर है ना. चलो पर इस केस में अगर हमारे पास करंट है, पोटेंशियल डिफरेंस है और अगर हमने उसके बीच के इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटा दिया तो हमारे पास इक्वल टू आ गया, तो हम इधर क्या एक और क्वांटिटी रख सकते हैं, कोई बता सकता है? थोड़ी गैस करो कि हमारे पास एक सर्किट में क्या हो सकता है. करंट तो होता ही है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, क्या हो सकता है? रेजिस्टेंस हो सकता है. रेजिस्टेंस की बात हम अभी डिटेल में करेंगे, पर रेजिस्टेंस हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है. रेजिस्टेंस का साइन ये होता है. सो अगर मैं उसकी जगह पे यहां पे आर लिख दूं तो चलेगा? मैंने प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटा के इक्वल टू लगाया, आर इंटू वी कर दिया यहां पे. अब तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, वी इक्वल टू या इस आर को हम इस साइड रख लेते हैं, इस साइड की जगह पे इस साइड रख लेते हैं. सो इधर अगर हम यहां पे आर रख लेते हैं तो हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी, वी इक्वल टू आई आर, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वी इक्वल टू आई आर. मान लीजिए अगर V बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, पर कम क्या होगा? रेजिस्टेंस कम होगा. मान लीजिए अगर रेजिस्टेंस बढ़ा दोगे बहुत ज्यादा तो ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो V भी कम हो जाएगा और I भी कम हो जाएगा. मतलब इन दोनों जो क्वांटिटी जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के, उसके इनवर्सली बिहेव करेगा जो कि कॉन्स्टेंट है.
इन्वर्सली का मतलब अगर V और I बढ़ेगा तो R कम होगा, और अगर R बढ़ाओगे तो V और I कम हो जाएंगे। समझ में आई बात? ठीक। अब इस रिलेशन को लेके हमको एक ग्राफ भी आता है। ग्राफ एक रिलेशन होता है ग्राफ में, कि जब भी ओम्स लॉ को कोई भी सर्किट फॉलो कर रहा होगा, कोई भी एनी सर्किट विच इज फॉलोइंग दिस पर्टिकुलर लॉ, इन दैट वन जब भी उसमें आप V और I का ग्राफ प्लॉट करेंगे, V और I, सो यू विल फाइंड आउट कि जो उसके बीच का जो पॉइंट्स हमको मिलेंगे V और I के, वो वी विल गेट इन अ फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस। वन टू थ्री फोर, हियर वी हैव वन टू थ्री फोर, सो वी विल गेट अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस। बट इसमें कंडीशन क्या है हमारी? इसमें हमारी कंडीशन है कि टेम्परेचर कैसा होना चाहिए? कॉन्स्टेंट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो ये लॉ एप्लीकेबल एक स्टेज के बाद नहीं होगा। ये टेम्परेचर के साथ, अगर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है तभी यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन वी एंड आई। इतनी बात समझ में आई? चलो फिर। सो ये जो ओम्स लॉ होता है ये फंडामेंटल लॉ नहीं है। ये मैं आपको एडिशनल चीज बता रहा हूं इसके बारे में, ठीक है, आउट ऑफ द बॉक्स। ये जो ओम्स लॉ होता है, इट इज नॉट एन, इज इट नॉट अ फंडामेंटल लॉ, और आपको कह सकते हैं ये एक आइडल लॉ नहीं है। दिस इज नॉट एन आइडल लॉ। उसका रीजन ये है कि हाई टेम्परेचर पे ये लॉ फेल हो जाता है। बेसिकली आपके अभी जो 10th ग्रेड में है अकॉर्डिंग टू सीबीएसई इतना ही पोर्शन है, ठीक है, बट आपको अभी के लिए इतना बता देता हूं मैं कि ये एक आइडल लॉ या फंडामेंटल लॉ नहीं है, बिकॉज हाई टेम्परेचर पे ये लॉ फेल हो जाता है, ठीक है ना। उसके भी अलग अलग रीजन है कि बेसिकली मैं, अगर आप इसको हाई टेम्परेचर पे करोगे तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, ये कर्व हो जाएगा, ठीक है। बट फॉर द टाइम बीइंग यू जस्ट गाइज नीड टू नो दैट दिस इज योर ओम लॉ, दैट आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी विच इज पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन यू हैव अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। Whenever you will try to plot a graph between them, you will get in a form of a straight line, and this is the formula for the Ohm's law, V equal to IR. और सभी quantities की तरह इसकी भी एक SI unit होती है, SI unit जो कि क्या होती है? Ohms. Ohms का ये sign होता है, this is the symbol for Ohms. बात आई समझ में? Note it down.